9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूखंड से 2 घंटे के भीतर बिजली के खंभे हटा दिए गए। आज 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, पर मस्जिद बनना तो दूर, मस्जिद का अभी तक नक्शा पास नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की सिंह है। राम मंदिर का निर्माण 50% से अधिक हो चुका है। राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे भारत से पैसे आ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण पूरा करने की समय सीमा जनवरी 2024 में समाप्त हो जाएगी, जबकि मस्जिद सरकार और प्रशासनिक बाधाओं के जाल में फंसा हुआ है। और ये बात बताते वक्त काफी तकलीफ हो रही है कि एक तरफ जहां जब भूमि पूरी तरीके से दे दी गई थी, फिर भी अभी तक एक ईंट उस मस्जिद के लिए नहीं चली है। नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुन्नी सेंट्रल वाक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए दिए गए 5 एकड़ के भूखंड से 2 घंटे के भीतर बिजली के खंभे हटा दिए गए थे। लेकिन सरकार से जमीन मिलने के 3 साल से अधिक का समय बीत चुका है और अयोध्या में राम जन्मभूमि से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर लखनऊ अयोध्या हाईवे पर स्थित धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए एक ईंट भी नहीं पड़ी है। मस्जिद प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के एक सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर सीएम योगी तक राम मंदिर स्थल का दौरा किए, लेकिन कोई भी मस्जिद की जमीन देखने तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि जैसे सरकार राम मंदिर के लिए काम करवा रही है, वैसे ही मस्जिद के लिए भी किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है, सारी चीजें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हक में है। मस्जिद की योजना और डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया गया है, सब कुछ स्टैंड बाई है और मुस्लिम समुदाय राम जन्मभूमि निर्माण पर लंबे समय से नजर रखे हुए। लेकिन अयोध्या मस्जिद की कहानी देरी, निराशा और संदेह से भरी हुई है। पिछले 3 वर्ष से मस्जिद ट्रस्ट NOC राज के लाल फीताशाही के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। ये फायर, प्रदूषण, भूमि उपयोग के लिए अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र पाने की अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी यह अभी खत्म नहीं हुआ है। कई बड़ी चुनौतियां आगे हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण मस्जिद का अंतिम नक्शा अभी तक फाइनल नहीं किया हुआ है, साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट को अभी पैसे भी जुटाने हैं। फिलहाल अगर बात करें तो अभी तक ट्रस्ट ने महज कुल 50 लाख रुपए ही जुटा पाए हैं पूरी परियोजना, जबकि 300 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमान से लगाई जा रही है। और इसमें न केवल मस्जिद बल्कि एक अस्पताल, सामुदायिक रसोई, अनुसंधान केंद्र भी शामिल है। IICF के सचिव और ट्रस्टी अतहर हुसैन ने कहा कि सिर्फ मस्जिद के निर्माण में लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। मस्जिद की जमीन की देखरेख के लिए ट्रस्ट द्वारा नियुक्त सहराब खान ने बताया कि फीस का मुद्दा अभी भी लंबित है और नक्शा स्वीकृत होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा। आपको बता दें कि जिस जगह मस्जिद के लिए जमीनें आवंटित की गई हैं, वहां कभी गेहूं और चावल की फसलें लहराती थी। यह जमीन कभी राज्य के कृषि के अधिकार क्षेत्र में आता था। 2020 में भूमि अधिग्रहण के बाद यहां खेती बंद हो गई। अब केवल सिंचाइयों वाली नाली से ये बताती है वो नालियां कि जमीन पर पहले भी खेती की जा रही थी। अयोध्या की सोहावल तहसील में धन्नीपुर और रौनाही गांव के बीच ये जमीन है और ट्रस्ट द्वारा लगाए गए बोर्ड इस जमीन की तस्दीक करते हैं। 26 जनवरी 2021 को ट्रस्ट द्वारा कुछ पौधे लगाने जैसी प्रतीकात्मक कार के बावजूद पिछले तकरीबन 3.5 वर्ष से मंदिर निर्माण को लेकर कोई काम नहीं हो पाया। अयोध्या के राम मंदिर के लिए निर्माण पूरी तरीके से तेज चल रहा है, इसके जनवरी 2024 तक पूरे होने की संभावना भी जताई जा रही है। यहाँ तक कि मंदिर के आसपास के क्षेत्र का भी कायाकल्प हो रहा है, घाटों और तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जन्मभूमि क्षेत्र के पास के घरों को एक जैसा रूप दिया जा रहा है और नए पार्किंग स्थल और शानदार रेलवे स्टेशन जैसे बुनियादी ढांचों को भी तेजी से स्थापित किया जा रहा है। लेकिन मस्जिद स्थल के आसपास कोई भी विकास कार्य आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पूरे क्षेत्र में धन्नीपुर गांव में सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है। IICF के ट्रस्टी और सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि राम मंदिर और इस मस्जिद की तुलना फिलहाल नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के लिए दशकों की तैयारी रही है। मस्जिद के लिए जमीनें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही दी गई थी।
पहले कोविड ने इस परियोजना को पटरी से उतार दिया और फिर कुछ एनओसी प्राप्त करने में भी देरी हो रही। अब इस पूरे मामले पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट के जरिए हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और 2024 तक उसके पूरे होने की संभावना जताई जा रही है, क्या सरकार को मस्जिद के ऊपर कुछ इस तरीके का ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि तकरीबन 3.5 वर्ष का समय बीत चुका है और अभी मस्जिद के लिए एक ईंट भी नहीं पड़ी है। सोचिएगा जरूर। नमस्कार, मैं आपके साथ विक्की सिंह था।